इधर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पति और पत्नी में चल रहे घमासान के बीच अब एक नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा किया गया कि ये ऑडियो एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का है, जिसमें ज्योति ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जबकि आलोक मौर्या इन आरोपों से इनकार करते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का बताया गया, जिसमें ज्योति मौर्या ने पति पर दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में एसडीएम ज्योति मौर्या अपने पति आलोक पर शादी के बाद पैसे और गाड़ी के लिए परेशान करने का आरोप लगाने की बात कहती सुनी गई। बिल्कुल 5000 का बताया था सिलसिला, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए गाड़ी के लिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये ऑडियो कब का है इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इस ऑडियो में ही आलोक मौर्या ने पत्नी ज्योति के लगाए सारे आरोपों को नकार दिया। और तो और ज्योति मौर्या ने अपने पति आलोक पर शादी के नाम पर धोखा देने और उनसे झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। ज्योति मौर्या की शादी 2010 में हुई थी, इसके बाद 2016 में वो पीसीएस अधिकारी बनी। यूपी के कुछ जिलों में एसडीएम रहने के बाद ज्योति मौर्या इस वक्त बरेली में तैनात है। और उन पर पति आलोक मौर्या ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ज्योति मौर्या पर पीसीएस अधिकारी बनने के बाद रिश्ता तोड़ने और उन्हें धोखा देने का आरोप मढ़ा, जिसके बाद ज्योति मौर्या ने भी पति आलोक के एक एक आरोप का जवाब दिया। उन्होंने आलोक पर शादी के वक्त झूठ बोलने और उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि आलोक मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में मामूली सफाई कर्मचारी थे, लेकिन शादी के दौरान उन्होंने खुद को एक अधिकारी बताया था। ज्योति मौर्य का यह भी आरोप है कि आलोक के घरवालों ने उनके घरवालों को झांसा दिया और धोखे से उनके साथ उनकी शादी करा दी। ज्योति मौर्य का कहना है कि जैसे ही आलोक की सच्चाई उनके सामने आई, उन्होंने आलोक से उसी वक्त तलाक लेने का मन बना लिया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने हालात से समझौता कर लिया था। और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या यही नहीं रुकी, उन्होंने पति आलोक के सारे आरोपों को झूठा बताते हुए उन पर जासूसी करने का भी आरोप मढ़ दिया। ज्योति मौर्या का आरोप है कि कुछ रोज पहले आलोक मौर्या ने उनकी व्हाट्सएप चैट हैक कर लिया था। और आरोप है कि बाद में आलोक मौर्या उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, ताकि वो किसी तरह से उनसे एक मोटी रकम वसूल कर सकें। एसडीएम ज्योति मौर्या का आरोप है कि ब्लैकमेल करने के लिए आलोक ने पहले उनका मोबाइल फोन हैक किया और फिर व्हाट्सएप से उनकी निजी बातचीत चुरा ली। आलोक मौर्या ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था। ज्योति मौर्या का ये भी इल्जाम है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो आलोक ने उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद उन्होंने पति आलोक के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में केस दर्ज करवा दिया। हालांकि आलोक मौर्या ने पत्नी ज्योति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब उनके पति आलोक मौर्या ने उन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। सबूत के तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने एक डायरी भी रखी और उनका दावा है कि यह डायरी उनकी पत्नी ज्योति मौर्या की है। आलोक मौर्या ने आरोप लगाया कि इस डायरी में ज्योति मौर्या हर महीने वसूली से मिलने वाले लाखों रुपए का हिसाब लिखती है। डायरी में लिखे हिसाब किताब के आधार पर आलोक ने यह दावा किया कि ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक मौर्या ने मीडिया में 100 पन्नों की जो डायरी दी, उसमें हर पेज पर स्वास्थ्य और शुभ लाभ लिखा दिखाई दिया। उसके बाद उस पर हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला, उसका हिसाब किताब लिखा नजर आया। आलोक का दावा है कि ये लिखावट ज्योति मौर्या की। आलोक ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या की खबरें सुर्खियों में आने का असर बिहार के बक्सर में दिखाई दिया, जहां पिंटू नाम के एक आदमी पर उनकी अपनी पत्नी के की पढ़ाई छुड़वाने का आरोप लगा दिया। पत्नी के मुताबिक उनके पति को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वो भी अधिकारी बनने के बाद उनसे रिश्ता ना तोड़ लें। और इसी डर की वजह से बक्सर जिले में रहने वाले पिंटू ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। जानकारी के मुताबिक पिंटू की पत्नी खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बिहार प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका कहना है कि यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या की कहानी सामने आने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने गांव बुला लिया। तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूं, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। लेकिन पिंटू के इस रवैये से परेशान होकर उनकी पत्नी खुशबू थाने पहुंच गई। हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पिंटू को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या की हालत देखकर उन्होंने पत्नी को पढ़ाने से साफ मना कर दिया।